केरल में एक गर्भवती हथिनी की पटाखों से भरा अनानास खाने से मौत हो गई थी। अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें इस बात की पुष्टि हो गई है कि उसकी मौत मुंह में लगे जख्मों के कारण हुई थी, जो पटाखे फूटने का परिणाम है। वनवासियों द्वारा प्रारंभिक अटकलें लगाई गई थी कि हाथिनी ने या तो खुद पटाखों से भरा अनानास खाया या फिर उसे किसी ने खिलाया था। अपनी चोटों के कारण हाथिनी 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक कुछ भी नहीं खा पाई और मल्लापुरम जिले की वेल्लियार नदी में थकान के कारण गिर गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उसकी मौत की असल वजह डूबना है। शनिवार को केरल सरकार ने घोषणा की कि उन्होंने मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी इस बात की जांच कर रही हैं कि मौत किसानों की वजह से हुई या शिकारियों की वजह से। मृतक हथिनी की उम्र 15 साल बताई जा रही है। इस घटना पर उस समय विवाद और ज्यादा बढ़ गया जब पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मल्लापुरम जिले में जानवरों के इलाज को लेकर टिप्पणी की।